हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो क्लासेस है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वह है फंजाई राइजोपस। तो जो इसके पहले के क्लास थे उसमें हमने फंजाई राइजोपस का जो सिस्टमेटिक पोजिशन था, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का एक मेथड हमने उसमें बताया था जो कि था एप्लाइनोस्पोर मेथड द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन राइजोपस फंजाई में हमने देखा था। तो आज जो है, आज का जो क्लासेस है वह फंजाई राइजोपस से ही है और पार्ट सेकंड को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और पार्ट सेकंड में हम राइजोपस के सेक्सुअली रिप्रोडक्शन और एक मेथड और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का देखेंगे। और वह जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का वह मेथड है वह है क्लेमाइडोस्पोर मेथड के द्वारा कैसे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है फंजाई राइजोपस में। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो राइजोपस है उसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन को बाय क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा, कि क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वह फंजाई राइजोपस में कैसे होता है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो मैंने क्लास अटेंड करवाई है उसमें मैंने जो फंजाई राइजोपस है उसके एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सिस्टमैटिक पोजीशन, अकरेंस के बेसिस पर ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रकार के डिजीज को कॉज करते हैं, ये सभी बातें पर हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आप इसके जो फंजाई राइजोपस का जो फर्स्ट पार्ट का लेक्चर है उसको अगर आप क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट पार्ट के कुछ टर्म्स हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद ये फंजाई राइजोपस का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हम एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन मेथड को क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा देखेंगे और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है उसको आज के क्लासेस में हम देखेंगे फंजाई राइजोपस के लाइफ साइकिल में। तो आइए हम अपना मेन टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, राइजोपस फंजाई में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाय क्लेमाइडोस्पोर। तो देखिए कैसे होता है क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा फंजाई राइजोपस में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन। जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन, द मैच्योर माइसीडिया बिकम सेप्टेड एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल फॉर्म अ राउंडेड एंड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर नोन एज क्लेमाइडोस्पोर। तो अब यहां पर आप समझिए, जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी, जब फेवरेबल कंडीशन में, जब क्लेमाइडोस्पोर के फॉर्मेशन का जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो जो माइसिलिया होते हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट का जो क्लास अटेंड कराया था राइजोपस पे, उस पर मैंने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पर भी डिटेल में डिस्कस किया है आप लोगों से। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो पहले पार्ट है, जो राइजोपस फंजाई का फर्स्ट पार्ट है, अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिए। तो उसमें मैंने बताया था कि जो हाइपी होते हैं राइजोपस में वे तीन प्रकार के होते हैं, राइजोइड्स, स्टोलन और स्पोंजियोफोर। तो जो हाइपी है वे जब क्लेमाइडोस्पोर का फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये सेप्टेड हो जाएगा। सेप्टेड का मतलब ये देखिए, हॉरिजेंटल लाइन ये माइसिलियम के बीच प्रेजेंट हो जाएंगी और यही हॉरिजेंटल लाइन देखिए सेप्टेड एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल फॉर्म अ राउंडेड एंड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। और यही जो हॉरिजेंटल लाइन है और यही हॉरिजेंटल लाइन के जो प्रोटोप्लाज्म है और या फिर सेल है जो, वे थिक वॉल्ड का फॉर्मेशन करेंगे और थिक वॉल्ड का फॉर्मेशन करने के बाद ये क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आप ये फिगर में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक माइसिलियम है, माइसिलियम में जब क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन आया तो ये माइसिलियम जो थे वे सेप्टेड हो गए, मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन इनके बीच प्रेजेंट हो गई। और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो भी माइसिलियम का जो प्रोटोप्लाज्म या फिर सेल है वह थिक हुआ, थिक होने के बाद राउंडेड हुआ, राउंडेड होने के बाद क्लेमाइडोस्पोर का यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन किया और क्लेमाइडोस्पोर एक फिर से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर वेजिटेटिव बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये रहा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाय क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। तो अब हम देखेंगे इनके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को, कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है। तो आइए देखते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फंजाई राइजोपस में। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय कॉपुलेशन ऑफ टू मॉर्फोलॉजी सिमिलर मल्टीन्यूक्लियेट गैमेटिनसिया। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वे कॉपुलेशन के थ्रू होता है, किसमें, फंजाई राइजोपस के अंदर। और ये जो
कॉपुलेशन का मेथड है, ये मल्टी न्यूक्लियेट गैमेटिंजिया इसमें प्रेजेंट होंगी और ये मॉर्फोलॉजी में दोनों सेम होंगी। तो अभी आपको ये जो टॉपिक है और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बस आप इस सभी पॉइंट को अच्छे से समझिए। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय कॉपुलेशन ऑफ टू मॉर्फोलॉजी सिमिलर मल्टी न्यूक्लियेट गैमेटिंजिया। मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ राइजोपस आर हेट्रोथेलिक बट फ्यू आर होमोथेलिक। तो अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि ये हेट्रोथेलिक और होमोथेलिक क्या है, तो आप सबसे पहले होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक में डिफरेंस जान लीजिए, फिर उसके बाद हम डिटेल में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो हमने बताया कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वे होता है कॉपुलेशन के थ्रू, और कॉपुलेशन किसका होता है, गैमेटिंजिया का होता है, और गैमेटिंजिया मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं। तो अब देखिए हेट्रोथेलिक और होमोथेलिक में डिफरेंस जान लीजिए, क्योंकि कुछ जो स्पीसीज है राइजोपस के वे होमोथेलिक भी होते हैं और हेट्रोथेलिक भी होते हैं, तो इसलिए आपको होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो हेट्रोथेलिक में हम ये देखेंगे कि जो हेट्रोथेलिक जो स्पीसीज होते हैं राइजोपस के, जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन उनका जो जाइगोस्पोर होता है वे उनका फॉर्मेशन केवल टू माइसीलिया ऑफ कंफर्टेबल स्ट्रेन कम एंड कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। मतलब कि जो इनमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के लिए टू डिफरेंट प्रकार के स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि पॉजिटिव स्ट्रेन और निगेटिव स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये कैसे इनका फॉर्मेशन होगा, टू डिफरेंट माइसिलिया से, क्योंकि जब एक ही सेम माइसिलिया से फॉर्मेशन होता है तो दोनों स्ट्रेन तो सेम ही रहते हैं, इसलिए हेट्रोथेलिक में क्या होगा कि जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए टू डिफरेंट माइसिलियम से फॉर्मेशन होता है कंफर्टेबल स्ट्रेन का। कंफर्टेबल स्ट्रेन मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रेन एक निगेटिव स्ट्रेन आप सपोज कर सकते हैं। तो ये हेट्रोथेलिक कंडीशन था। अब देखिए होमोथेलिक कंडीशन में क्या होता है कि जो होमोथेलिक राइजोपस की स्पीसीज है उसमें एक ही माइसिलिया के द्वारा जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो स्ट्रेन होते हैं वे आपस में सिमिलर होते हैं, पर हेट्रोथेलिक में जो स्ट्रेन होते हैं वे आपस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन। तो ये जो माइनस और प्लस स्ट्रेन है वे दोनों डिफरेंट माइसिलियम से प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये आपस में कॉन्टेक्ट होकर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को हेट्रोथेलिक और होमोथेलिक में अच्छे से डिफरेंस पता हो गया होगा। तो अब हम अपने मेन टॉपिक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे आते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है वे फंजाई राइजोपस के अंदर किस मेथड के द्वारा होता है, किस कैसे फेवरेबल में होता है, कैसा कंडीशन को रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिंजिया डेवलप्ड एट टर्मिनल एंड टिप अप टू कंफर्टेबल हाइपी ब्रांच। तो ये यहाँ पर आप सबसे पहले अच्छी तरीके से समझिए, ये हम जो बात कर रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का, ये हेट्रोथेलिक के अंडर हम बात कर रहे हैं। तो हेट्रोथेलिक में हमने बताया कि जो गैमेटिंजिया होती है वह डेवलप्ड होती है टू डिफरेंट माइसिलियम से। क्यों टू डिफरेंट माइसिलियम से, जब फॉर्मेशन होगा ये जब प्रोड्यूस्ड होंगे टू डिफरेंट माइसिलियम से तभी इनका जो स्ट्रेन है वे टू प्रकार के कंफर्टेबल स्ट्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पॉजिटिव स्ट्रेन एंड निगेटिव स्ट्रेन। तो यहाँ पर यही बात मेंशन की गई है कि द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन गैमेटिंजिया, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के समय जो गैमेटिंजिया है वह डेवलप्ड एज ए टर्मिनल ऑफ टिप ऑफ टू कंफर्टेबल हाइपी ब्रांच। दिस स्पेशल हाइपी आर नोन एज प्रो गैमेटिंजिया। और जिस हाइपी से ये गैमेटिंजिया प्रोड्यूस्ड होते हैं, इस हाइपी ये एक स्पेशल प्रकार का हाइफा होता है, इसे हम प्रो गैमेटिंजिया के नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो मैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो मैं इस जब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोगों को समझा दूंगा तो उसके बाद हम इसको फिगर के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन और निगेटिव स्ट्रेन कैसे आपस में कॉन्टेक्ट आते हैं, कैसे इनका साइटोप्लाज्म मिक्स होता है। तो हम यहाँ पर आज डिटेल में सभी बातों पर डिस्कस करेंगे, बस आप क्लास को थोड़ा भी मिस मत करिए, तो आप लोगों को जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम यहाँ तक बता चुके हैं कि जिस हाइपा से कंफर्टेबल गैमेटिंजिया प्रोड्यूस्ड होते हैं उसे हम प्रो गैमेटिंजिया से डिफाइन कर सकते हैं, और द प्रो गैमेटिंजिया अपोजिट स्ट्रेन, और जो प्रो गैमेटिंजिया द्वारा जो गैमेटिंजिया प्रोड्यूस्ड हुई है जो हाइपी है उसे हम प्रो गैमेटिंजिया से डिफाइन किए, और प्रो गैमेटिंजिया से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हुए हैं वे माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन में हम उन्हें सपोज कर रहे हैं। तो अपोजिट स्ट्रेन एड हियर देयर टिप्स, जो अपोजिट स्ट्रेन है गैमेटिंजिया जो प्रोड्यूस्ड हुए हाइपी से उसके जो अपोजिट स्ट्रेन है, क्यों अपोजिट स्ट्रेन है, क्योंकि हम इसमें हेट्रोथेलिक की बात कर रहे हैं,
हेट्रो मतलब डिफरेंट, सिमिलर नहीं होते हैं। तो जो उनके स्ट्रेन है, जो कंपेटेबल स्ट्रेन है, पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन है, वे एक दूसरे से अटैच होंगे टिप पर। द सेप्टम इज देन फॉर्म्ड लिटिल बिलो द टिप्स ऑफ द आइसोगेमटिंजिया। और ये जब एक दूसरे से अटैच होंगे, माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन के गेमटिंजिया जब आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे, तो अटैच होने के बाद एक कॉलम जैसा फॉर्मेशन होगा। मतलब कि ये जो गेमटिंजिया थी वे टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, टू पार्ट में डिवाइड होगी। तो ये जो पार्ट डिवाइड हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल। सेपरेट द टर्मिनल गेमटिंजिया फॉर्म अ सस्पेंसर सेल। तो आप यहाँ पर फिगर के थ्रू भी समझते चलिए तो और आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो हाइपी से प्रोड्यूस्ड हुए, ये जो टू गेमटिंजिया प्रोड्यूस्ड हुए, प्रोड्यूस्ड होने के बाद देखिए इनका जो टिप था वे आपस में कॉन्टेक्ट हुए। यहाँ पर देखिए माइनस स्ट्रेन है और प्लस स्ट्रेन गेमटिंजिया है, और ये हाइफा से प्रोड्यूस हुए हैं, और वे हाइफा जो एक स्पेशल हाइपी थी उसका नाम था प्रो गेमटिंजिया। तो जब ये प्रोड्यूस हुए तो इनका जो माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन गेमटिंजिया हुए आपस में कॉन्टेक्ट हुए। कॉन्टेक्ट होने के बाद ये कॉलम जैसा फॉर्मेशन मतलब पार्ट में डिवाइड हुए। तो उस पार्ट को में जब ये डिवाइड हुए तो उसे हम आइसोगेमटिंजिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अ सेप्टम इज देन फॉर्म्ड लिटिल बिलो ऑफ टिप्स देन आइसोगेमटिंजिया। तो इस फिगर में आप देखिए, यही देखिए टू कॉलम के रूप में फॉर्मेशन हुआ। तो इस जो फर्स्ट वाला कॉलम, जिस साइड की जो दोनों स्ट्रेन एक दूसरे से क्लोज होकर कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, उस साइड के कॉलम को हम आइसोगेमटिंजिया से रिप्रेजेंट करेंगे, और जस्ट उसके जो बाहर का कॉलम है, जो कि जस्ट आइसोगेमटिंजिया के जस्ट साइड का कॉलम है, उसे हम सस्पेंसर सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये सभी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक में सब मेंशन है। द सेपरेटिंग ऑफ टर्मिनल गेमटिंजिया फॉर्म सस्पेंसर सेल, ये भी हमने बताया कि ये टू पार्ट में जब ये गेमटिंजिया आपस में कॉन्टेक्ट होंगे, तो ये कॉन्टेक्ट होने के बाद साइड इनका जो एक गेमटिंजिया है वह टू पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। टू पार्ट में डिवाइड होंगे तो इसमें एक आइसोगेमटिंजिया होंगे, आइसोगेमटिंजिया वे होंगे जो कि जो स्ट्रेन आपस में क्लोज होकर कॉन्टेक्ट हुए होंगे, उसी साइड को हम आइसोगेमटिंजिया से रिप्रेजेंट करेंगे, और जस्ट आइसोगेमटिंजिया के साइड में सस्पेंसर सेल प्रेजेंट होंगे। तो आप फिगर में समझ लीजिए, ये देखिए आइसोगेमटिंजिया है और इसके जस्ट साइड में देखिए यहाँ पर सस्पेंसर सेल प्रेजेंट है। ये कब प्रेजेंट हुआ, जब दो गेमटिंजिया आपस में क्लोजली आकर कॉन्टेक्ट हुए। कॉन्टेक्ट होने के बाद गेमटिंजिया टू पार्ट में डिवाइड हुआ। टू पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये जो जिस साइड ये एक दूसरे से कॉन्टेक्ट है स्ट्रेन, उस साइड को हम आइसोगेमटिंजिया से रिप्रेजेंट करेंगे, और जस्ट इसके जस्ट साइड के आइसोगेमटिंजिया के साइड को हम सस्पेंसर सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए कि इसके आगे का प्रोसेस जो है, उसके आगे प्रोसेस में क्या होता है। द गेमटिंजिया हैज अ डेंसली ग्रैनुलर मल्टीन्यूक्लियस, और जो गेमटिंजिया है वे मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है गेमटिंजिया का वे मल्टीन्यूक्लिएट होगा। वेयर इज द सस्पेंसर सेल हैज हाईली वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म। तो जो सस्पेंसर सेल है वे वैक्यूलेटेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। वैक्यूलेटेड कंडीशन आप फिगर में फिर से देख लीजिए, ये देखिए जस्ट आइसोगेमटिंजिया के साइड में सस्पेंसर सेल प्रेजेंट है। सस्पेंसर सेल में हाईली वैक्यूलेटेड मतलब आप देखिए स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसी को हम वैक्यूल बोलते हैं। तो इसीलिए हम सस्पेंसर सेल को हाईली वैक्यूलेटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। द वॉल ऑफ टू एट पॉइंट ऑफ दियर कॉन्टेक्ट डिजॉल्व एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ बोथ गेमटिंजिया यूनिट ऑफ फॉर्म जाइगोस्पोर। तो जब ये गेमटिंजिया आपस में कॉन्टेक्ट में हुए, कॉन्टेक्ट में होने के बाद इनका जब प्रोटोप्लाज्म मिक्स हुआ, तो प्रोटोप्लाज्म जब मिक्स हुआ इनका, तो ये फॉर्मेशन कर दिए एक जाइगोस्पोर का। तो जाइगोस्पोर का जब ये फॉर्मेशन कर दिए, तो उसके बाद देखिए क्या होता है, द न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट स्ट्रेन पेयर एंड टू फ्यूज्ड फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो जो अपोजिट स्ट्रेन के जो न्यूक्लियाई थे वे फ्यूज्ड हुए, फ्यूज्ड होने के बाद डिप्लॉयड हुआ, जाइगोस्पोर डिप्लॉयडी कंडीशन में हुआ, क्योंकि जो स्ट्रेन थे गेमटिंजिया थी वे हैप्लॉयडी कंडीशन में थी, वे जब आपस में फ्यूज हुए, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड हुआ उनका, तो वे डिप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्टेबल हो गए, और उनका जो प्रोटोप्लाज्म था वे भी मिक्स हो
हो चुका है इस स्टेज तक। द न्यूक्लियाई विच फेल टू फ्यूज टू पेयर अल्टीमेटली डिजनरेट्स इन यंग जाइगोस्पोर एराइज सेक्रेट सेवरल लेयर थिक वर्ल्ड अराउंड इट। जब इनके गेमटिंजिया कॉन्टेक्ट हुए डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होने के बाद इनका प्रोटोप्लाज्म भी मिक्स हो चुका है, और जब जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन के बाद ही जब ये मेच्योर होने लगा जाइगोस्पोर, तो इसके चारों तरफ एक थिक लेयर का फॉर्मेशन होने लगा, इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन होने लगा। फिर अब उसके आगे देखिए क्या होगा, द जाइगोस्पोर जर्मिनेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जाइगोस्पोर जब बन जाएगा, तो जाइगोस्पोर बनने के बाद देखिए इसके चारों तरफ लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये लेयर कैसा है, थिक लेयर है। थिक लेयर होने की वजह से ही ये ज्यादा टाइम तक ये रेस्टिंग पीरियड में रह सकता है। तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट, तो जो जाइगोस्पोर है वह जर्मिनेट होगा लॉन्ग पीरियड के बाद, तो जो जाइगोस्पोर है इसे हम रेस्टिंग स्पोर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है, फिर कुछ समय बाद ये जर्मिनेट होता है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन द जाइगोस्पोर क्रैक ओपन द जर्म स्पोरेंजियो फॉर इमर्ज। तो जब ये जाइगोस्पोर जब डेवलप्ड होने कंडीशन में आएगा, या फिर जब ये जर्मिनेट होने कंडीशन में आएगा, आप जब उसकी रेस्टिंग पूरी खत्म हो जाएगी, जब जर्मिनेशन का कंडीशन आएगा, तो उनके चारों तरफ जो थिक लेयर है वे लेयर पूरी तरह से रप्चर हो जाएंगे। रप्चर होने के बाद विस डेवलप जर्म स्पोरेंजिया इमर्ज टू डेवलप जर्म स्पोरेंजियम एट टिप। इसके टिप पर जहां से रप्चर होगा वहां उसी के टिप पर जर्म स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्शन डिवीजन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्म स्पोरेंजियम। जर्म स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा कि अकरिंग ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ जर्म स्पोरेंजियम डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा जर्म स्पोरेंजियम के अंदर। एंड द स्पोरेंजियम कंटेंट न्यूमरस हैप्लॉइड स्पोर। और जब स्पोरेंजियम के अंदर जब डिवीजन हुआ सेल का, तो सेल के डिवीजन होने के बाद तो इनके अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट हो गए। द स्पोर इच स्पोर आफ्टर लिबरेट जर्मिनेट टू फॉर्मेशन अ न्यू माइसिलियम। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर से जो डिवीजन के बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने थे, यही न्यूक्लियट जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो यहाँ से लिबरेट होंगे, लिबरेट होने के बाद एक न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये मैंने बताया कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के मेथड को। अब आप एक बार फिर से फिगर के थ्रू समझ लीजिए, जिससे कि आप लोगों को और बेटर कुछ समझ में आएगा। तो हमने बताया कि अभी जो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को हम हेट्रोथैलिकी मेथड से देख रहे हैं। हेट्रोथैलिज्म में क्या होता है कि टू डिफरेंट स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, और टू डिफरेंट जो स्ट्रेन है वे टू डिफरेंट माइसिलियम से प्रोड्यूस्ड होता है, और वे टू डिफरेंट जो माइसिलियम था उसे हम जो स्पेशल हाइपी से ये जो गेमटिंजिया प्रोड्यूस्ड हो रही है उसे हम आइसोगेमटिंजिया बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आइसोगेमटिंजिया द्वारा टू स्ट्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन। तो ये जो दोनों गेमटिंजिया आपस में फ्यूज हुए, इन्हें हम प्रोगेमटिंजिया से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल हाइपी से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसे हम प्रोगेमटिंजिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये दोनों जो गेमटिंजिया थे ये आपस में क्लोजली आए, क्लोजली होने के बाद कॉन्टेक्ट में हुए, कॉन्टेक्ट में होने के बाद ये जो गेमटिंजिया टू पार्ट में डिवाइड हुए। पहला पार्ट था जो वे आइसोगेमटिंजिया से डिफाइन किया हमने, और जो आइसोगेमटिंजिया के जस्ट साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम सस्पेंसर सेल से डिफाइन किए, और सस्पेंसर सेल हाइली वैकोलेटेड होता है। अब आप सोचेंगे कि वैकोलेटेड से हम इसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो देखिए सस्पेंसर सेल में हाई स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे होंगे, तो इसीलिए हम इसे हाइली वैकोलेटेड सस्पेंसर सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपस में क्लोजली है, क्लोजली होने के बाद ये इनका जो साइटोप्लाज्म था वह मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद ये डिप्लॉयडी जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन किए, और डिप्लॉयडी जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर लिए। तो हमने अभी बताया कि जो जाइगोस्पोर होता है वे रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं कुछ टाइम तक, जब तक कि उनका फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। तो रेस्टिंग टाइम में जब तक रहेंगे तब तक उनके जो चारों तरफ एक थिक लेयर प्रेजेंट रहता है। जब उनका जर्मिनेशन का एक जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो जो थिक लेयर है जाइगोस्पोर के चारों तरफ वे
पूरी तरीके से रप्चर हो जाएगी या फिर इमर्ज हो जाएगी। इमर्ज होने के बाद जाइगोस्पोर के अंदर से ही एक स्पोरेंजियो फोर रिलीज होगा। स्पोरेंजियो फोर के जस्ट टिप पर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के जस्ट नीचे जो स्फेरिकल लाइक है उसे कॉलुमेला से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जब इमर्ज होगा, जब थिक वाल्ड इसका जो जाइगोस्पोर का इमर्ज होगा, तो स्पोरेंजियो फोर के जस्ट टिप पर जो जाइगोस्पोर प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियस है उनका डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। डिवीजन स्टार्ट होने के कारण से ही बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद जब इनकी मैच्योर हो जाएंगे पूरी तरीके से न्यूक्लियस, तो ये स्पोर हो, यही न्यूक्लियस को हम स्पोर से भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि यही जो न्यूक्लियस है वही स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये प्रत्येक स्पोर एक एक जो है न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब ये स्पोरेंजियम से जब रिलीज हो गए स्पोर, तो ये एक न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देंगे, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो आज के जो क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि जो राइजोपस फंजाई है उसके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हमने एक मेथड और बताया कि क्लमाइडोस्पोर मेथड के द्वारा ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो आज का क्लासेस और जो एक पार्ट और था जो फंजाई राइजोपस का फर्स्ट पार्ट वाला क्लास था, उसको मैंने पूरी तरीके से दोनों क्लास को अटेंड करा दिया। तो इसमें दोनों क्लास में मैंने जो फंजाई राइजोपस है उसके हर एक पॉइंट पर पूरे लाइफ साइकिल पर डिटेल में डिस्कस किया। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।